हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिन्हें धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान है धन के लिए। गुरुजी ने अपनी व्यासपीठ से कहा है कि मैं अपनी व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कोई धन के लिए कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन जो ये उपाय कर लेगा उसे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। ये उपाय आपको 22 जुलाई को करना है। 22 जुलाई को सुबह 9:30 के बाद करना है, क्योंकि जो पंचमी तिथि है वो 9:30 के बाद लगेगी। तो आप 22 जुलाई शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है और सूर्यास्त से पहले पहले करना है। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना। तो सुबह से लेकर 9:30 के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है गन्ने का रस। ध्यान रखिए, आपको एक पात्र में गन्ने का रस ले लेना है, कटोरी में। अगर गन्ने का रस नहीं मिले तो आपको क्या करना है, आपको लेना है गुड़ का एक टुकड़ा। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लीजिए और उसे जल में मिला लीजिए। जल में मिलाने के बाद जब वो घुल जाए तो वो जो रस तैयार हो जाएगा, जो गन्ने का जो जल तैयार हो जाएगा गुड़ का, उसे को ही आप उससे भी उपाय कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मिल सके तो आप गन्ने का रस लीजिए, नहीं तो आप गुड़ का जल तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने तुलसी मैया के क्यारे के पास जाना है। घर में जो तुलसी माता लगी है वहाँ आपको जाना है। वहाँ जाकर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में जल लेना है, थोड़ा सा जल, क्योंकि ये जो आप जल लेकर गए हैं वो आपको 7 बार में तुलसी माता पर चढ़ाना है। ध्यान रखिए, आप चाहे एक कटोरी जल लेकर गए हों, चाहे एक लोटा जल लेकर गए हों, लेकिन वो जल आपको 7 बार में ही तुलसी माता पर चढ़ाना है। आपको पहली बार में हथेली पर अपने हाथ में जल लेना है, सीधे हाथ पर अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और वो जल तुलसी जी पर समर्पित कर देना है। फिर आपको जल लेना है, फिर अपना नाम और गोत्र बोलना है, हाँ, फिर जल समर्पित कर देना है, फिर आपको नाम, इसी तरीके से आपको 7 बार नाम और गोत्र बोलते हुए वो जल तुलसी पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखें, इस तरीके से जल लें अपनी हथेली में कि वो जल नीचे गिरे ना। आराम से जल लीजिए और आपको 7 बार में वो जल चढ़ा देना है। इसलिए आप थोड़ा सा कटोरी में जल ले लीजिए। ये उपाय आप कीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि आपको करना सूर्यास्त से पहले पहले है और शनिवार को 9:30 के बाद पंचमी तिथि, 9:30 से पंचमी तिथि लगेगी, तो आप 9:30 के बाद ही ये उपाय कीजिए। इस उपाय के बाद गुरु जी कह रहे हैं, एक तो ये अधिक मास में पंचमी पड़ रही है, 3 साल बाद आता है ये शुभ संयोग, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। गुरु जी ने बार बार कहा है कि मैं अपनी व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसों की वजह से परेशान है, धन की वजह से परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा है, उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, जो भी वो काम कर रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वो व्यक्ति भी ये उपाय कर सकते हैं और देखिएगा उन्हें धन प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, वो भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे आटे का ले लीजिए, और आपको लेने हैं 7 काले तिल। ध्यान रखिए, आपको 7 काले तिल लेने हैं, उनमें एक भी जो तिल है वो सफ़ेद रंग का ना हो, ये ध्यान रखिए। और जैसे आप सामग्री लेकर जाते हैं शिव मंदिर, एक लोटा जल या जो भी बेलपत्र, जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं वो लेकर आपको जानी है। फिर जब आप मंदिर जाइए, मंदिर आप चले जाइए, फिर उसके बाद आपको मंदिर में जैसे आप पूजा पाठ करते हैं शिव जी की, वैसे पूजा पाठ कीजिए। और अभी आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, बस ध्यान रखिए आप जैसे रोज़मर्रा आप पूजा करते हैं रोज़मर्रा की, उसी तरीके से आपको पूजा पाठ करके जब आप बाहर आएँ, मंदिर से जब बाहर निकलें, ध्यान रखिए इसमें आपको क्या करना है, आप जब जल चढ़ाकर या जो भी पूजा पाठ कर बाहर आएँ मंदिर से, तो जो आपने देसी घी का दीपक तैयार किया है और जो आप काले तिल लेकर आए हैं, तो वो आपको जब मंदिर से बाहर निकलते समय जो आपका उल्टा हाथ पड़े, लेफ्ट हैंड, ध्यान रखिए मंदिर से बाहर निकलते समय जो आपका लेफ्ट हैंड है, उधर आपको मंदिर की चौखट पर वो आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए, जब आप मंदिर से बाहर निकले, जब आप जाएंगे तो आपका सीधा हाथ पड़ेगा, लेकिन जब लौटेंगे मंदिर से बाहर, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, तो जो आपका उल्टा जिस तरफ हाथ पड़े, लेफ्ट हैंड, वहाँ आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है और एक एक करके आपको वो जो काला तिल है वो आपको डालना है। एक एक करके डालिए, तो मुरुका जी का नाम लीजिए। एक तिल डालिए तो मुरुका जी का नाम लीजिए, दूसरा तिल डालिए तो मुरुका जी का नाम स्मरण कीजिए। ये आपको करके पूरे 7 तिल उस दीपक में डाल देने हैं। ये उपाय आप शनिवार को कीजिए, यानी 22 जुलाई को पंचमी तिथि को। दोनों में से
जरूर आप एक उपाय कीजिए, और पहला उपाय तो आप जरूर ही कीजिए, क्योंकि ये 3 साल में एक बार संयोग ऐसा बनता है, और देखिएगा गुरुजी ने कहा कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।